हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, अंदरबन जंगल ट्रैक, और ये महाराष्ट्र में है, नियर बाय मुंबई एंड पुणे। और गाइस, मैं एक ट्रैक ग्रुप के साथ आई हुई हूँ, और ये मुंबई से 4 to 5 hours का रूट है। मैं मुंबई से आई हूँ और सुबह 4 बजे मैं बेस कैंप पर आ गई हूँ। और गाइस, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। गाइस, वेलकम बैक। गाइस, अभी हमारे ट्रैक लीडर हमारा एक बेसिक इंट्रो करने के बाद और कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस बता रहे हैं, और इसके बाद हमारा जो ब्यूटीफुल ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और गाइस, आप देख सकते हैं बेस विलेज से कितना खूबसूरत स्केनिक व्यू है, टोटली मेस्मराइजिंग है, और आपको पूरे ट्रैक में ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज दिखेंगे। गाइस, ट्रैक स्टार्ट हो गया ये पॉइंट से, और गाइस ये ऑलमोस्ट 7 to 8 hours का ट्रैक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से ही ब्यूटीफुल व्यूज स्टार्ट हो गए हैं। गाइस, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स को, और चारों ओर बस फॉग जैसे दिख रहा है। मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। गाइस, मानसून का सीज़न है इसलिए वेदर थोड़ा रेनी हो गया है, जो कि और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ट्रैक पे। और गाइस, आपको पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा मीठी आवाज़ सुनाई देगी बर्ड्स की, और ऐसे मौसम में और ऐसी जगह पे गाइस खुले आसमान को देखना भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो गाइस, इंजॉय करते रहिए आप व्यूज को। गाइस, ब्रेक टाइम फ़ोटो शूट के लिए, और गाइस मैं भटकना ट्रैक ग्रुप के साथ आई हुई हूँ। बहुत ही फ्रेंडली ट्रैक ग्रुप है ये,
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रैक में इनके साथ। गाइस यहाँ से ट्रैक डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा, और गाइस इसके बाद एक वाटरफॉल आएगा और वहाँ से डार्क फॉरेस्ट स्टार्ट होगा जो कि अंदर वन ट्रैक की खासियत है डार्क फॉरेस्ट। तो गाइस आप जब भी किसी ट्रैक पे जाए किसी ट्रैक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले। ट्रैक में बहुत सारी डिफ़िकल्ट रूट होते हैं तो इसमें ट्रैक लीडर्स आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। वो प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें पूरी सेफ्टी गाइडलाइंस पता होती है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं पूरे ट्रैक में। गाइस हमारे फ्रेंडली ट्रैक लीडर्स हर डिफ़िकल्ट पाथ पे हमारी हेल्प करते हुए। और गाइस आप जब भी किसी ट्रैक पे जाएं तो आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन के जाएं, ट्रैक पैंट के साथ जाएं, ऐसा नॉर्मल जीन्स या फिर कुछ कैजुअल पहन के ना जाएं। और गाइस प्रॉपर वाटर सप्लाईज और कुछ हेल्दी खाने पीने की चीज़ें लेके जाएं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, ओट्स हो गया, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है पूरा ट्रैक में। गाइस अभी प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कनेस है, पूरा ट्रीज से कवर्ड है जंगल, तो पूरा सनलाइट ग्राउंड को टच नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा डार्कनेस रहता है। गाइस ये इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है और एक खूबसूरत पॉइंट भी। और गाइस आप देख सकते हैं कितना स्कैनिक व्यू है और वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
गाइस, ये इस ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है। पर्सनली मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फ्लावर्स की वैली में आई हूँ मैं। और गाइस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं सारे फ्लावर्स, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्कैनिक व्यू है ये। गाइज, इस ब्यूटीफुल पॉइंट पे ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और इस ब्यूटीफुल पॉइंट के बाद एक और बेस भी ले जाएगा जहाँ पे सब लंच करेंगे और थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे। और गाइज, इसके बाद डिसेंडेंट ट्रैक स्टार्ट होगा जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी का देखने के लिए आप पार्ट टू देखना ना भूलें। और गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।